Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the missing element of the geometric progression. Yani ek geometric progression jo hamare paas hai available hai, is geometric progression ke andar jo missing term hai usko humne find out karna hai. Ab agar is bade simple se ek is formula ko agar aap dekhen to yahan aapko ye nazar aa raha hai ki yahan aapke paas जो है वो 4 वैल्यूज हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो an है, दूसरी वैल्यू आपके पास a1 है, थर्ड वैल्यू जो है वो r है और फोर्थ वैल्यू जो है वो n है. यानी इसमें से तीन वैल्यूज जो होंगी वो एक्चुअली गिवन होंगी, इसमें फोर्थ वन वैल्यू जो भी होगी उसको फाइंड आउट करना होगा. जैसा कि आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखें तो r जो है वो गिवन है, r इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे ए एन यानी nth टर्म जो है वो 100 गिवन है, यानी ये जो ए एन है ये 100 है और ए वन जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो भी गिवन है जो कि 1 है. बड़ा क्लियरली आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्योंकि आर भी गिवन है, ए वन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, सो एन जो है इसको फाइंड आउट करना है. सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज को पुटअप करें. यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 100 आ गया, a1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ r की r को 10 से सब्सिट्यूट किया, सो r इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर n माइनस 1. सिंपली अब यहाँ पे ये 100 जो है 100 को स्प्लिट अप कर लिया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 में और यहाँ पे ये 10 रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया. अब ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको पावर में अगर हम लिखें तो यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया. यहाँ पे बेसिस इक्वल हो गई तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. सिंपली पावर्स को कंपेयर किया सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. यहाँ पे ये जो माइनस 1 है इक्वल साइन की इस साइड पर ये माइनस में है, सो ये जिस वक्त इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, सो एन इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड फाइनली जो एन जो कि मिसिंग था ये बेसिकली एन इज एन जो है वो 3 आ जाएगा. सेकंड पार्ट में भी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ए एन जो है वो गिवन है, आर भी गिवन है, ए वन भी गिवन है, बिल्कुल उसी तरह से एन जो है हमने फाइंड आउट करना है. तो सिंपली इन वैल्यूज को इस जीपी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बड़े सिंपल से फार्मूला में आप पुट अप करें, ए एन इज इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाइड बाई आर रेस टू पावर एन माइनस 1, सो ए एन इज इक्वल टू 400 जो कि ये गिवन है, इज इक्वल टू ए वन जो है 25 है मल्टीप्लाइड बाई आर जो है जो हमारे पास है ये 2 है, 2 रेस टू पावर एन माइनस 1 आ जाएगा. अब यहाँ पे 25 इक्वल साइन के इस साइड पर है, ये जिस वक्त इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है सो इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा, सो 400 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, दैट विल एक्चुअली रिटर्न 16, सो इट विल बी इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1. अब यहाँ पे अगर आप हम ये ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 16 है 16 को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 4 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई मैं करूँ तो ये मेरे पास 16 आ जाता है. इसे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर के फॉर्म में लिखा तो ये 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1. अब यहाँ पे बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं सो पावर्स कंपेयर हम कर सकते हैं, सो एन माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4. अब यहाँ पे एन जो है ये यहाँ ये जो 1 है ये माइनस साइन में है, ये जिस वक्त इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 ये इस साइड पर प्लस 1 हो जाएगा, सो 4 प्लस 1 विल एक्चुअली रिटर्न 5, सो एन इज इक्वल टू 5, एन मिसिंग था जो कि 5 के इक्वल है. इसके थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, यहाँ पे आर गिवन है, ए वन जो है ये भी गिवन है और ए एन जो है ये भी गिवन है. सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट अप करें, ए एन इज इक्वल टू 1/4, ए वन इज इक्वल टू 128,
और r जो है ये 1 over 2 है, 1 over 2 raised to power n minus 1 आ गया। अब यहाँ पे 128 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरे साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 128 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पर n माइनस 1। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये 4 जब 128 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 512 आ जाएगा। अब आप 512 को 2 के जो मल्टीप्लीकेशंस में या मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर्स में आप चेंज करें, सो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ये 2 जो है ये 9 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 यानी ये बिल्कुल इसी तरह से आप इसे नीचे ले आए 1 ओवर 2 रेज टू पर n माइनस 1। सो यहाँ पे इसको ज़रा यहाँ पे आप इधर देख लें, यहाँ 1 ओवर 2 रेज टू पर n माइनस 1, सो यहाँ पे क्योंकि ये 2 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 ओवर 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे 1 ओवर 2 और यहाँ भी 1 ओवर 2 है, बेसिस इक्वल हुई, सो पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, सो यहाँ पे n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 9। सो यहाँ पे क्योंकि ये n यहाँ माइनस 1 है, सो इक्वल साइन के दूसरे साइड पर आके ये प्लस 1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो जो यहाँ पर मिसिंग था वो n था, दैट इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू।